नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी इस किचन में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कचरी की चटनी की रेसिपी। कचरी दिखने में इस तरीके से होती है, इसकी चटनी खाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो पहले इसको मैं आपको पील करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से नाइफ से इसको हम पील कर लेंगे, बहुत ईजीली ये पील हो जाती है। सारी कचरी मैंने इस तरीके से ही छील के रख ली है पहले से ही, इसे भी मैं छील लूंगी। ये देखिए सारी कचरी मैंने छील ली है, अब इसे हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कचरी को हमें मिक्सी के जार में डालकर पीसना है, तो हल्के मोटे पीसेस भी इसके आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी कचरी मैंने कट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर ले ली है ये लहसुन और ये लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर ली है करीबन 8 से 10 कलियाँ लहसुन की और ये लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च को मैंने पानी में सोक होने के लिए रख दिया था करीबन 1 घंटा पहले। चाहे तो इसे आप गर्म पानी में भी सोक कर सकते हैं, जल्दी से ये सोक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 5 लाल मिर्च ली थी साबुत। जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप मिर्च ऐड कर लें। अब मैंने ग्राइंडर के जार में डाल दी है ये लहसुन और ये लाल मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कचरी, करीबन 200 ग्राम कचरी मैंने यहाँ पर ली थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना, एकदम फाइन पेस्ट इसकी हमें नहीं बनानी है। तो ये देखिए मैंने इसको दरदरा ग्राइंड कर लिया है, एकदम फाइन मैंने इसे नहीं पीसा है। अब इस चटनी को आप चाहे तो इस तरीके से ही खा सकते हैं कच्चा, पर मैं इसको ऊपर तड़का लगाने वाली हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर रख लिया है एक पैन। मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हींग, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम जीरा, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम राई, और मीडियम हीट पे इसको हम सौते कर लेंगे। राई को हम क्रैकल होने देंगे। जब जीरा और राई हमारा सौते हो जाए तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पिसी हुई चटनी, और मीडियम हीट पे इसको हम सौते करेंगे। हल्का सा इसे हमें पकाना है जब तक इसका मॉइस्चर थोड़ा सा कम ना हो जाए। आप चाहे तो इसमें नमक टेस्ट करके नमक भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर करीबन 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने इसमें गरम मसाला। इसके बिना भी आप इसको बना सकते हैं, पर गरम मसाला और हल्दी ऐड करने से इसमें कलर अच्छा भी आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए चटनी बन के हमारी तैयार हो गई है। ज़्यादा इसे मैं पकाना नहीं है, गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं एक बोल में निकाल लूंगी। ठंडा करके इसे आप फ्रिज में स्टोर करें, 10 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और आप इसे खा पाएंगे। तो तैयार है हमारी काचरे यानी कचरी की चटनी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोज़ का मैसेज आपके पास आ सके।